अमर शहीद मोहन लाल दादा जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। अमर शहीद मोहन लाल लगोत्रा जी अमर रहे अमर रहे अमर शहीद मोहन लाल अमर शहीद मोहन लाल लगोत्रा जी अमर रहे अमर रहे। जहाँ जहाँ भी शहीद होते हैं वहाँ उनको याद करने के लिए, उनके परिवार को सम्मानित करने के लिए ये कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। जो समाज जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है उस कौम का नाश हो जाता है। मैं इस ट्रस्ट को अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से जम्मू वासियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और शहीदों का जो परिवार यहाँ आया हुआ है उनके चरणों में मैं अपना नतमस्तक होता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ जिस कोख से वो पैदा हुए हैं माता जी हमारे बीच में हैं, माता जी को पूरा सम्मान दें, भगवान उनको और आशीर्वाद दें और उनकी लंबी उम्र हो। और जो हमारे पर जो वीर चक्र शहीद हैं मोहन लाल लखोत्रा जी उनको जहाँ भी वो है अपने चरणों में रखें भगवान। और शहीद हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं। जो शहीद देश के लिए वो जाता है अपनी जान कुर्बान करता है ये उसको पता होता है, शहीद का यही होता है वापस कभी हो मैं अपना ये अगर तरक्का है चाहे वो देश के अंदर चाहे सरहदों पे, वो शहीद की धड़कन तब तक धड़ती रहती है तब तक हमारा तिरंगा वो फिरता रहता है। इसलिए आज के दिन जहाँ मैं आया मुझे इन्होंने कहा था कि बाली जी ने मानवाधिकार जो इनका ट्रस्ट है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो जिस स्कूल का नाम कहा है हम पूरा प्रयास करेंगे उस स्कूल का नाम रखने का। लेकिन इस बार जो पीछे हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ हमारी सरकार यूटी सरकार है जो एलजी साहब की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई स्कूल थे कोई सड़कें थी कोई और भी नाम जो है हॉस्पिटलों के नाम को शहीदों के नाम रखे गए हैं। पहली बार सिर्फ जम्मू में ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता था हमारा शहीद। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक हमारे हवालदार स्वरूप सिंह जी हैं पुंछ के वो थे 1962 की जंग में उन्होंने अपनी शहादत दी थी लद्दाख के अंदर और अकेले लड़े थे चली गई थी ख़त्म हो गई लेकिन अकेले वो एक अगर वो मैं उनके पास LMG 5 थे या पांचों को वो रस्सी बांध के चलाते थे ताकि वो दुश्मन के दिल धड़कते थे क्योंकि वो कहते थे कि ये अकेला नहीं है बहुत से लोग हैं यहाँ पे जब चार पाँच बार LMG उनको भी हमने खोज के उनके घर के और घर में जाने के बाद सारे परिवार से मिले। वहाँ हमारे वार्ड नंबर 73 है वहाँ पे हमारे डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं उन्होंने मुझे कहा मैं उनके घर गया फिर उनके नाम से हमने वहाँ पर जो आरसपुरा रोड जा रही है वहाँ पर एक गेट का एक द्वार हमारे हवालदार स्वरूप सिंह के नाम से रखा है और परिवार उनका पूरा इसी तरह वहाँ आया था। एक अच्छा प्रोग्राम था आज ये प्रोग्राम मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि मैं आया ट्रस्ट वाले हैं। एक प्रार्थना करूँगा कि अगला जो इनका कार्यक्रम आए वो चाहे इनका जन्मदिन भी हो वो भी जहाँ मनाया जाए और जो ये बलिदान दिवस हो वो भी यहाँ मनाया जाए। गाँव वाले जो ये सिंह जी वो शहीद हुए थे वहाँ किश्तवाड़ के अंदर अभी वो प्रवेशनी में थे पक्के भी नहीं हुए थे उनके नागरिक जो वुमेन कॉलेज है गांधीनगर में उसका नाम हमारी बहन सहदेवा जी जो बड़ी बहुत बड़ी गायिका थी उनके उनके नाम से वो रखा है और बहुत से स्कूल बहुत से हॉस्पिटल